नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिंदा को मुर्दा बताकर उठाया लाखों का क्लेम, गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 6 सदस्य किए गिरफ्तार। रिश्वत लेते एएन को रंगे हाथों दबोचा, एसीबी ने की कार्यवाही। हरिया गैंग के कुख्यात शातिर पकड़े, ज्वेलर्स लूट का किया खुलासा। साइकिल सवार को बचाते हुए 6 ने गंवाई जान, टेम्पो से भिड़ी कार। और अब समाचार विस्तार से। जिंदा आदमी को मुर्दा बताकर शातिरों ने लाखों का भुगतान उठा लिया। इसमें बीमा कंपनी के अफसरों से लेकर डॉक्टर और वकील तक शामिल थे। एसओजी ने अब इस गिरोह का खुलासा किया है। जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर लाखों रुपए बतौर क्लेम उठाने का सिलसिला काफी अरसे से चल रहा था। इस गिरोह का एसओजी ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वकील, डॉक्टर, बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारी शामिल है। आईजी उमेश मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले 200 में बीमा कंपनी के अधिकारियों की एक टीम जांच के लिए कोतवाली थाने आई थी। वहां यह टीम एएसआई की मौत के मामले में जांच कर रही थी। मौके पर जांच टीम यह देखकर हैरान रह गई कि जिस एएसआई की मौत बताई जा रही है वह जीवित है और नौकरी कर रहा है। खुद एएसआई भी अपनी मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नगर परिषद से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र देखकर हैरान रह गया। उसने बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ एसपी को इसकी शिकायत की। जांच के लिए मामला एसओजी के पास गया तो पता लगा कि इस तरह का गैंग कई राज्यों से क्लेम उठा चुका है। जांच के बाद इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जांच अभी जारी है और इसमें बैंक और बीमा कंपनियों के दूसरे अधिकारियों सहित बीमा एजेंटों के जुड़े होने की आशंका है। अलवर जिले के तिजारा में नरेगा योजना के एएन नरेंद्र खंडेलवाल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 13 लाख रुपए के विकास कार्यों के सत्यापन के लिए 1% के हिसाब से रिश्वत मांगी थी। एएसपी सलेम मोहम्मद ने बताया कि पंचायत सरपंच खुर्शीद ने इसे लेकर शिकायत दी थी। इस पर कार्यवाही करते हुए एएन को आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा सत्यापन के लिए 13,000 की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन 10,000 में मामला तय होने के बाद 7,000 रुपए देना तय हुआ। जैसे ही सरपंच खुर्शीद ने आरोपी को 7,000 रुपए दिए तो एसीबी टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। अलवर जिले में नीमराना स्थित कृष्णा टावर में डकैती को अंजाम देने वाले कुख्यात हरिया गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस गैंग का एक शातिर एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। नीमराना में 4 दिन पहले बदमाशों द्वारा 2 व्यापारियों के पैर में गोली मारकर ज्वेलरी और नकदी लूट ली गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने हरिया गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा एसपी राहुल प्रकाश के निर्देशन में एएसपी हिमांशु और उनकी टीम ने किया। इस मामले में राजस्थान, हरियाणा और यूपी की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर कामयाबी हासिल की। पुलिस टीम ने देर रात लोकेशन के आधार पर बदमाशों को पकड़ने में हरियाणा के तिंगावत क्षेत्र में दबिश दी। उसके बाद पुलिस ने बदमाशों की चारों तरफ घेराबंदी की, लेकिन जब इन शातिरों ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने बदमाशों पर फायरिंग की। इसमें एक बदमाश अरुण मिश्रा उर्फ निर्भय गुजर की एनकाउंटर में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने अन्य जगहों पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 1 आरोपी वीर सिंह लूट में शामिल था और 2 आरोपी सुखवीर और सुरेंद्र गैंग की सहायता करते थे। मुठभेड़ के बाद वारदात में काम ली गई ब्रेजर गाड़ी, 2 पिस्टल, 1 देशी कट्टा और 6 वाहन नंबर प्लेट बरामद किए हैं। बाकी लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें दबिश देने में लगी है। गौरतलब है कि हरिया गैंग विभिन्न राज्यों में लूट डकैती की वारदातों को अंजाम देता है। यह गैंग दर्जनों अपराधों में विभिन्न थानों से वांछित था। गैंग के सरगना हरिया गुर्जर को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयासरत है। पुलिस की अब तक की कार्यवाही में एएसपी हिमांशु भिवाड़ी, डीएसपी सिद्धांत शर्मा और जनेश सिंह तंवर, बहरोड़ थाना अधिकारी महावीर सिंह, नीमराना एसएचओ हितेश शर्मा, कोट कासिम थाना अधिकारी भगवान साय आदि की टीम शामिल रही। 4 तारीख को नीमराना के कृष्णा टावर में जो घटना हुई, उस घटना ने हम लोगों के लिए चुनौती प्रस्तुत की और लोगों के विश्वास ने हमको
ये जताया कि हम लोगों को कितने जल्दी हम इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में पूरे जिले ने एक समन्वित प्रयास किया, जिसके चलते इस घटना का हमने खुलासा किया। घटना का खुलासा कर तीन आदमियों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। और इसी क्रम के अंदर जब और दूसरे बदमाश इसमें जो वांछित थे उनका जब पीछा कर रहे थे, पीछा करने के दौरान हरियाणा पुलिस, यूपी एसटीएफ और राजस्थान की जो अलवर पुलिस है, इन समन्वित प्रयास करके इनका पीछा करते हुए घेराव किया गया। और इसी दौरान इनका मुठभेड़ हुई हरियाणा पुलिस से, उसमें एक जो मुख्य अभियुक्त था इसमें वांटेड, उसकी मृत्यु हुई। इस घटना के अंदर मुठभेड़ के पश्चात जो हमारी घटना में लिप्त गाड़ी थी ब्रेजा, वो बरामद हुई है। दो कट्टे, एक पिस्टल और 6-7 नंबर प्लेट उससे बरामद हुई। अब तक जो अभियुक्त नामजद हुए उसमें 6 लोग हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें 5 लोग नामजद हो गए और एक अभी नामजद होना बाकी है। 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिनमें एक तो अभियुक्त है जो कि घटना में लिप्त था, 2 लोग वो हैं जो योजना बनाने में, सहयोग देने में, शरण देने में उनके साथ थे। सबसे बड़ी बात इस दौरान इस घटना के अनुसंधान में और तलाश पतारसी में ये रही कि 3 स्टेट की पुलिस का एक समन्वित प्रयास रहा, जिसके चलते ही हमको सफलता मिली। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस घटना के जो पीड़ित थे, जिन्होंने अदम साहस का परिचय देते हुए घटना में उन लोगों का सामना किया, तो सामना करते ही करते कट्टा भी उनसे, ये कटिया था वो भी उनसे छीन लिया, और इससे हमको भी मजबूती मिली और अनुसंधान के अंदर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो हमको मिले। श्री गंगानगर में करणपुर रोड पर एक साइकिल सवार को बचाते हुए तेज रफ्तार कार टेम्पो से टकरा गई। हादसे में टेम्पो सवार 6 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद सड़क पर लाशें पड़ी नजर आई और हादसा दिल दहलाने वाला था। दुर्घटना में हुए घायलों को एम्बुलेंस 108 और पुलिस की जीप की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सदर थाना पुलिस के अनुसार मृतक कालूराम मजाभी, जगसीर सिंह, ज्ञानीराम टालाराम और बलोर सिंह उस्मान खेड़ा पंजाब के रहने वाले थे। एक अन्य मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घायलों के पर्चा बयान पर फरार हुए कार चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। कार की गति इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के बाद टेम्पो के 3 टुकड़े हो गए और टेम्पो में सवार लोगों में से एक भी सुरक्षित नहीं बचा। इस दुर्घटना में कार टेम्पो को लगभग 50 फीट आगे तक घसीटते हुए ले गई। एक साइकिल सवार को बचाने के लिए कार चालक ने गलत दिशा में आकर टेम्पो को सामने से टक्कर मारी। कार चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया। जांच में सामने आया कि यह हादसा एक ऑर्थो डॉक्टर सुभाष राजोतिया की कार से हुआ था। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि कार कौन चला रहा था। मृतक और घायल सभी मजदूर वर्ग के हैं। वह किन्नू के बाग से फल तोड़ने का काम करते हैं। मजदूरी के बाद वे श्री गंगानगर की तरफ लौट रहे थे। पाली के सुमेरपुर में शुक्रवार को एक चलती स्कूल वैन में आग लग गई। हालांकि समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसके बाद लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक वैन जलकर राख हो चुकी थी। सुमेरपुर में बलदेव सिंह कॉलोनी से होकर एक निजी स्कूल की वैन निकल रही थी। यह वैन बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी, जिसमें 12 बच्चे सवार थे। ड्राइवर ने चलती वैन के इंजन से आग की लपटें उठती हुई देखी। यह देखकर वह घबरा गया और वैन को रोक दिया। इसी दौरान बच्चों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग भी आ गए। तब तक आग काफी फैल चुकी थी। लोगों के साथ मिलकर चालक ने बच्चों को वैन से समय रहते बाहर निकाल लिया। इसके बाद आसपास के बाशिंदों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग को बुझाया। लोगों ने पुलिस और दमकल को भी फोन से सूचना दी। आग लगने के 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची, लेकिन तब तक वैन जलकर राख हो चुकी थी। कुल मिलाकर इस घटना ने एक बार फिर दर्शाया है कि स्कूली बच्चों का आवागमन किस कदर जोखिम भरे हालात में किया जाता है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर स्थित आतंकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। इस ड्रोन हमले में 3 आतंकी मारे गए हैं। शुक्रवार को उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान अफगान सीमा पर अमेरिकी ड्रोन हमला किया गया। इसमें 3 आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का प्रमुख भी था, जिस पर प्रतिबंध लगा था।
मारे गए टीटीपी प्रमुख की पहचान सजना महसूद के रूप में हुई। उसे हाल ही में तारीख तालिबान पाकिस्तान का प्रमुख बनाया गया था, जबकि दो अन्य आतंकी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हकानी नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 25 जनवरी को अमेरिका ने ड्रोन से हमले कर हकानी नेटवर्क के दो कमांडरों सहित चार आतंकियों को ढेर किया था। इसी साल 17 जनवरी को भी अमेरिका द्वारा ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। 17 जनवरी को ड्रोन हमले में बादशाहकोट इलाके में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई अफगान नीति के बाद ड्रोन हमलों में तेजी आई है। इस नीति में पाकिस्तान पर आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह देने का आरोप भी लगाया गया था। गौरतलब है कि 2016 में ऐसे ही एक हमले में तालिबान का शीर्ष आतंकी मुल्ला अख्तर मंसूर मारा गया था। वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन को खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस ग्रुप कैप्टन का नाम अरुण मारवा है, जिसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मारवा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। आरोप है कि मारवा को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया और खुफिया जानकारियां निकलवाई गई। अरुण मारवा ने वायुसेना की खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दे डाली। आरोप है कि मारवा कई महीनों से ISI की महिला एजेंट्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में था। गौरतलब है कि एयरफोर्स के अधिकारियों को विशेष फोन दिए जाते हैं, उन्हें बाहर के सामान्य फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन मारवा अपना फोन लेकर जाता था और इसी फोन से खुफिया जानकारी एकत्रित करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ISI के एजेंट को देता था। इसके बाद एयरफोर्स ने आंतरिक जानकारी के आधार पर जांच के आदेश दिए। हनी ट्रैप की पुष्टि होने पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मारवा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मारवा ने कौन कौन से दस्तावेज ISI को उपलब्ध कराए हैं। कुछ माह पहले ISI के एक एजेंट ने लड़की बनकर मारवा से संपर्क किया था। इसके बाद दोनों में फोन पर लगातार चैटिंग होना शुरू हो गई। यह दोनों एक दूसरे को अश्लील मैसेज भेजते थे। लड़की बनकर कैप्टन अरुण मारवा को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने के बाद ISI एजेंट ने उससे कई गोपनीय दस्तावेज मांगे। आरोप है कि मारवा ने कुछ गोपनीय दस्तावेज ISI को मुहैया करा दिए। उल्लेखनीय है कि हनी ट्रैप जासूसी का एक तरीका है, जिसमें खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर गोपनीय जानकारियां हासिल की जाती है। कहते हैं प्यार ना मजहब देखता है और ना ही जात पात। छत्तीसगढ़ के 31 वर्षीय अविनाश बघेल द्वारा YouTube पर एक खुद का सॉन्ग कंपोज कर डालने के बाद इस पर एक रशियन सुंदरी का दिल आ गया। अविनाश दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस युवक ने एक गीत इश्क हुआ है मुझे कंपोज किया और उसे YouTube पर अपलोड कर दिया। यह सॉन्ग जब रूस की रहने वाली 23 साल की डियाना लिवा ने जब देखा तो उसके बोल अनुवाद कर समझे तो चैटिंग शुरू हुई, जो प्यार में बदल गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और अविनाश रूस के नालचिन टाउनशिप जा पहुंचा। यहां वह डियाना के परिवार से मिला और 2 दिन पहले दोनों ने साथ फेरे भी ले लिए। अविनाश के पिता रामलाल बघेल बाल्को कंपनी में काम करते हैं और माँ रमा बघेल हाउसवाइफ है। वहीं रूस के नालचिन टाउनशिप में रहने वाली डियाना के पिता लुइसिया रिटायर्ड फौजी हैं, वहां माँ यूरा लिवा गृहिणी है। अविनाश की डियाना से पहली मुलाकात 2 साल पहले इंटरनेट पर तब हुई जब उसने एक गाना कंपोज किया। शादी की बात को लेकर डियाना के परिजन उसे रूस बुला रहे थे। वीजा की वैधता और वहां के होटल में रुकने के लिए कोई कारण नहीं था, इसलिए कुछ दिन के लिए ही वीजा मिला था, लेकिन वहां पहुंचने पर 2 हफ्ते रुकना पड़ा। इसके लिए डियाना के परिजनों ने जिम्मेदारी ली और वीजा की वैधता बढ़वाई और वहीं रुकने के इंतजाम भी किए। डियाना और अविनाश की शादी पंडित विनय मिश्रा ने कराई। डियाना हिंदी नहीं जानती, इसलिए शादी की रस्मों का अनुवाद कर उन्हें समझाया गया। इस शादी के बाद यह जोड़ा बेहद खुश है। चंडीगढ़ में सेक्टर 44 स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिड डे मील बनाने के दौरान कुकर फट गया। 50 लीटर के इस विशाल कुकर के फटने की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई।
50 लीटर का जब कुकर फटा तो गर्म पानी की छींटे पास में खड़ी एक मिड डे मील वर्कर के मुंह पर जा गिरी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान वहां कुल 15 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन वे बाल बाल बच गए। स्कूल में मौजूद इस किचन में 3 स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए खाना बनता है। हादसे के बाद मिड डे मील वर्कर्स ने फिर अपना काम शुरू कर दिया और स्टूडेंट्स के लिए खाना तैयार किया। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था। हादसे वाली जगह चारों ओर कैमरे लगे हुए थे, इसके चलते यह घटना कैमरे में कैद हो गई। लेकिन इस हादसे ने मिड डे मील पकाने वाली जगहों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ओर इशारा किया है। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर शुक्रवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन इस दौरान वह सोशल मीडिया में रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर विवादों में फंस गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने कहा कि रेप विक्टिम की पहचान बताना अपराध है, इसलिए महिला आयोग तेजस्वी यादव को नोटिस भेजेगा। वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी पर व्यंग कसते हुए कहा कि साबित हो गया है कि वे 9वीं पास है। तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कुछ दिन पहले गया में हैवानियत का शिकार हुई बच्ची की फोटो और नाम उजागर कर दिया। ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा कि 8 साल की मासूम को नीतीश संपोषित प्रशासन प्रायोजित दरिंदों ने पहले अपहरण किया, फिर बेरहमी से उस कन्या का रेप किया। इसके बाद निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री में इतनी भी मानवीय संवेदना नहीं थी कि गया में मौजूद होने के बावजूद विक्टिम के परिवार से नहीं मिले। गौरतलब है कि किसी रेप विक्टिम की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी ने रेप विक्टिम की पहचान उजागर कर साबित कर दिया है कि वो 9वीं पास है। यह उनके कम पढ़े लिखे होने का नतीजा है। ट्विटर पोस्ट पर विवाद बढ़ने पर तेजस्वी ने सफाई दी है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उनका कहना था कि जो बच्ची अब दुनिया में नहीं रही उसके भविष्य की क्या बात की जाए। वह तो सरकार को बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में अपराध किस कदर बढ़ चुका है। कुल मिलाकर फिलहाल यह मामला तूल पकड़ गया है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। जिंदा को मुर्दा बताकर उठाया लाखों का क्लेम, गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 6 सदस्य किए गिरफ्तार। रिश्वत लेते ईएम को रंगे हाथों दबोचा, एसीबी ने की कार्यवाही। हरिया गैंग के कुख्यात शातिर पकड़े, ज्वेलर्स लूट का किया खुलासा। साइकिल सवार को बचाते हुए 6 ने गंवाई जान, टेम्पो से भिड़ी कार। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।